हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित उत्तम है और मैं एसएससी सीजीएल 2016 में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ हूँ। एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर जॉब कर रहा हूँ और मैंने कुछ दिनों अन अकेडमी में भी पढ़ाया एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैथमेटिक्स के बारे में। फिर जॉब्स की ज्वाइनिंग के बाद कुछ वर्क की वजह से मैं कंटिन्यूइंग नहीं कर पाया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में ये चैनल पर मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल की मैथमेटिक्स के वीडियोस डालूं। मेरा मानना ये है कि हर टॉपिक का अपना एक अलग तरीका होता है उसको समझने का, ठीक है। तो एडवांस मैथमेटिक्स में मैंने नॉर्मली नहीं देखा कि कुछ अच्छे कोर्स हैं जो कि एडवांस मैथमेटिक्स को सही तरीके से डील करते हैं। तो हम इस कोर्स में बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे जो कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड होगी। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेसन पे हम लोग शुरू करते हैं ज्योमेट्री बेसिक्स, जिसको ज्योमेट्री को हम हिंदी में ज्यामिति भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और बेसिक्स के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, जैसे लाइंस, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम करेक्टली एंड विद इन शॉर्ट टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें इन सारे टर्म्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री बेसिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो लाइंस जिसको हिंदी में रेखा बोलते हैं, एंगल्स जिनको हम कोण बोलते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो द पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन है लंबी सी, उसके दो एंड फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन में एक सेगमेंट ले लेते हैं जिनके पॉइंट ए और बी हैं। तो हम ये सेगमेंट ले लिया, इसके पॉइंट ए और बी फिक्स हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोल देंगे। इसी तरह से रे क्या होती है, इफ़ वन पॉइंट इज फिक्स्ड। अब क्या करा, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और दूसरे को हमने कतई फिक्स नहीं किया, तो वो आगे तक जा कभी भी कितनी दूर तक चला जाएगा, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये रे वर्ड भी यूज होता है। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। तो थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। कोई भी तीन पॉइंट या तीन से ज़्यादा पॉइंट, तीन पॉइंट ए बी सी अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। सिंपल सा, अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करेंगे तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। दे डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एंगल कितने तरह के होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। तो सिंपल वैल्यूज़ के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। एंगल 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक एंगल बनते हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे 0 डिग्री से 360 डिग्री तक एंगल ऐसे बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। तो वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक्यूट एंगल जिसको हम निम्न कोण बोलते हैं, राइट एंगल जिसको हम 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल जिसको हम अधिक कोण भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल को हम 180 डिग्री एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल में जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पे कि वो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा। तो सबसे पहले हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन होती है जिसके एक पॉइंट पे हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ये सारे एंगल जो भी होंगे, ये क्योंकि 90 से छोटे हैं, 90 हमारा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, ये मान लेते हैं हम 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसके बाद बाकी के एंगल जो उससे छोटे एंगल होंगे, जैसे ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो इस तरह के जो भी एंगल होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो हमारे एक्यूट एंगल
90 से छोटे सारे, 0 से बड़े, 90 से छोटे, जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे एक्यूट एंगल हो गए, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारे एक्यूट एंगल, 65 डिग्री, तो ये सारे एक्यूट एंगल हो गए। सम को 90 डिग्री वाले एंगल को हम सीधे 90 डिग्री या राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये अलग ग्रुप आ जाता है। अभी तक हम 90 तक पहुँचे हैं, अब 90 से बड़ा, तो जो हमारा एंगल ये वाला 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया। अब इससे बड़ा एंगल कोई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ से अगर आए 90 के इधर कोई लाइन खींचते हैं तो सारे आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, और कहाँ तक, 180 डिग्री तक, 180 डिग्री इसके पैरेलल, इसके मतलब सेम लाइन होती है, तो ये सारे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हो गए, ठीक है। 90 से बड़े होंगे तो कोई भी हो सकता है, जैसे कि 75 डिग्री, सॉरी 105 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, ऐसे जो एंगल होंगे वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, ठीक है, 180 से छोटा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 180 वाला एंगल को हम सीधे एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो करते हैं। अगर ये पॉइंट है तो ये हमारा 180 डिग्री एंगल होता है, सीधे अगर स्ट्रेट लाइन बनाइए। कभी कभी स्ट्रेट लाइन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, 180 डिग्री एंगल प्रूफ करना होता है, कि दो जो एंगल हैं वो आपस में मिलकर 180 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो वो जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन हो गई और यहाँ पे ऐसे करके 180 डिग्री बनेगा, तो 180 से बड़े एंगल, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, 180 से बड़े एंगल हो गए। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे यहाँ से, इस लाइन से, इस लाइन से, इस पॉइंट से, फिर जितने भी एंगल बनेंगे उनको सबको 180 से बड़े बनना है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, 180 से 190 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, 200 डिग्री, तो ये सारे एंगल हमारे 180 से बड़े हैं, जबकि 360 से छोटे हैं। इस पॉइंट पे आके 360 हो जाएगा, तो 360 से छोटे हैं, तो ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि एंगल का क्लासिफिकेशन क्या था, कितने तरह के एंगल होते हैं। अब हम देखेंगे एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ये आपस में दो एंगल के बीच का रिलेशन बताते हैं। तो कैसे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री दे म्यूचुअली फॉर्म अ सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एंगल ए अगर है प्लस एंगल बी है, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, सम उनका जो होता है 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, ठीक है, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, ठीक है, ए एंगल जो है वो बी का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से हम कह सकते हैं बी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब भी बात होगी तो उनका सम क्या होगा दोनों एंगल का, वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पे हमेशा दो एंगल के बीच में रिलेशन होता है। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, और इनका अगर सम जैसे कि एंगल सी है और एंगल डी है, ठीक है, तो इनके बीच का सम 180 डिग्री अगर हो जाता है तो ये सी और डी एंगल आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 30 डिग्री एंगल ए की वैल्यू अगर हम 30 डिग्री ले लें और एंगल बी की वैल्यू हम ले लें 60 डिग्री, तो ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसी तरह से यहाँ पे 60 और 120 ले लें, अगर सिंपल वाले लेते हैं तो 60 120 का सप्लीमेंट्री है और ये इसका सप्लीमेंट्री है। तो बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इसकी हम समझते हैं कि क्या कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सबसे पहले उनका वर्टेक्स जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्टेक्स तो कॉमन है, एक ये छोटा एंगल है और एक ये छोटा एंगल है, इन दोनों के वर्टेक्स सेम है, बी वर्टेक्स है, ठीक है।
कॉमन साइड, एक कॉमन साइड होनी चाहिए, यहाँ पे एक कॉमन साइड भी है। फिर इसके बाद अनकॉमन, डियर अनकॉमन साइड्स आर सिचुएटेड एट टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन साइड, मतलब कॉमन साइड के एक दूसरी तरफ होनी चाहिए और दूसरी दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे है भी ऐसा, बी ए दूसरी तरफ है और ये बी सी दूसरी तरफ है। तो ये हमारा जो दो एंगल फॉर्म होते हैं यहाँ पे वो क्या हो गए, ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो गए। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एडजेसेंट फिगर में और कौन कौन से एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये बी पॉइंट हमारा कॉमन हो जाता है। इसके बाद इसमें एक कॉमन साइड ये है और इसके बाद एक इधर इसकी दूसरी साइड है और दूसरी साइड है, दोनों अपोजिट साइड में, तो ये हमारे दोनों एंगल फिर से एडजेसेंट एंगल हो जाते हैं। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे देखें कि ये एंगल और ये एंगल के एडजेसेंट एंगल हैं, यस ऑफ कोर्स ये एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि इसमें एक ये कॉमन साइड है और दो अपोजिट साइड दोनों साइड में है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कितने सारे पेयर, कई सारे पेयर बन सकते हैं एडजेसेंट एंगल के। हमें एडजेसेंट एंगल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उसको हमें यहाँ पे बनाना आना चाहिए। अब हम देखते हैं एक और रिलेशन एंगल्स के बीच में, जिनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल का मतलब यहाँ पे फिर से दो एंगल के बीच में रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी तक हमने सीखा एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो देखने को मिल रहा है कि दो एंगल हैं यहाँ पे, एक बी ओ सी एंगल है और एक ए ओ सी एंगल है। ठीक है, ये दो एंगल हैं ए ओ सी और बी ओ सी, इसको सी ओ बी भी बोल सकते हैं। तो ये दो एंगल हैं, ये क्या एडजेसेंट एंगल है? यस, ये एडजेसेंट एंगल है। और यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ जाती है कि अगर दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जो आपस में मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो ऐसे एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमें कंपलसरी क्या है कि जो फाइनली जो लाइन बननी चाहिए वो हमारी 180 डिग्री की लाइन बननी चाहिए, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। मतलब दो एडजेसेंट एंगल के बीच अगर उनका सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो आपस में स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो किसी उसी बात को कहने के देखो कई तरीके, एक सिंपल तरीका है कि एंगल आपस में मिलके जो लाइन फॉर्म करेंगे वो स्ट्रेट लाइन हो, या दूसरा कह दें कि ये जो एंगल हैं इनका दोनों का सम अगर हम कर लें, एंगल ए ओ सी ठीक है प्लस एंगल सी ओ बी, इनकी वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, तब भी हमारी बात बराबर है कि वो स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन हो गई तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं, क्योंकि ऐसा वर्ड डायरेक्टली लिखा होता है क्वेश्चंस में और हमें फिर इसको समझना होता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। इफ़ टू स्ट्रेट लाइंस ए बी, यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं ए बी और सी डी, ये आपस में कट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है, देन फेसिंग ईच अदर एंगल कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो एंगल आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे एंगल हो गए वर्टिकल अपोजिट हो गए, ए ओ डी और सी ओ डी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो इधर साइड वाला एंगल है और इधर साइड वाला एंगल है ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ पहचाना कि किन एंगल्स को क्या नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इनके बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या होता है, बोलते हैं कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली यहाँ पे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन में हमें याद रखना ज़्यादा जरूरी है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सी ओ बी और ए ओ डी ये आपस में बराबर होंगे और इधर वाले एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी तक हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा है और आगे हम इस ज्योमेट्री के चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और काफ़ी टफ लेवल तक जाएंगे और बेसिकली हम सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले समझेंगे और फिर इसके बाद एक बार एक ही लेक्चर में जल्दी जल्दी हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, देन फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सो थैंक यू।